प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस पार्टी के सिमरिया के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा, जब उनसे पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके विधानसभा क्षेत्र में कल आ रहे हैं, तीन जगह जनसभा को संबोधित करेंगे, तब अभय मिश्रा का कहना था, मैं यहां से दो बार चुनाव जीत चुका हूं, एक बार मैं, एक बार मेरी पत्नी, मैं यहां से जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा, मैं सिमरिया की जनता को अच्छे से जानता हूं। सिमरिया में अब कोई भी आ जाए, यहां की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, अभय मिश्रा का ये भी कहना था, भारतीय जनता पार्टी ने गलती की। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तो मैंने कहा था स्थानीय विधायक के खिलाफ काफी गुस्सा है, आप उनकी पत्नी को टिकट दे दो या किसी और को टिकट दे दो, लेकिन स्थानीय विधायक को टिकट ना दो, नहीं तो ये सीट हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती थी। वहीं अभय मिश्रा एक और ये भी कह रहे थे, मेरे खिलाफ तमाम तरीके की भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, मेरा एक आदमी, मेरी एक दूरबीन वहां पर है, पिछले दिनों अमित शाह आए थे, उनसे क्या बात की गई ये भी मुझे मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक मेरी घुसपैठ है, वहां की छोटी छोटी बातें भी मुझ तक पहुंचती रहती। सुनिए अभय मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। जनता के बीच में आया हूं, जनता जो निर्णय कर देगी स्वीकार है, जनता के बाद में अपनी बात रख रहा हूं, मुझे लगता है कि जनता ने मन बना रखा है और अभी चुनाव के लिए अभी 20-25 दिन है, मैं दो बार चुनाव जीत चुका हूं, मैं दो बार चुनाव जीत चुका हूं, जिला पंचायत लड़ा, कई लड़ा, ऐसा बूम वोटिंग के जब तीन दिन बचते थे तब भी ऐसा बूम मैंने नहीं देखा, अभी 25 दिन है। आप क्षेत्र में अगर दौरा करें या कार्यक्रम में आए या कहीं देखें, आप अभी अचानक यहाँ आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। हाँ, सिमरिया तो जा रही है कांग्रेस को और अंतर 20-30 हज़ार वोट का होना चाहिए। कल जेपी नड्डा आ रहे हैं सिमरिया बचाने के लिए, कितना असर पड़ेगा? एक उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरिया में तीन जगह सभा कर रहे हैं। अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, मेरे भी लोग हैं, अंदर की बात मुझे मालूम पड़ती है, मैं इनके अंदर का एक एक चीज़ जानता हूँ। जब हमें खेल रहे थे, जब मैं उस खेल से निकल आया तो आप समझिए कि मेरी एक दूरबीन वहाँ रहती है। अमित शाह जी ने इनको कहा, माननीय मंत्री जी को, कि तब तो कह रहे थे कि माफिया है, अब क्यों डर वो हो रही है, अब काहे को मुझसे कह रहा है कि ईडी डलवाओ। अमित शाह जी इनसे कह रहे थे कि अब क्यों कह रहा है कि जीता जा रहा है, उसको रोडो को ईडी। तो ये सब कर्म करेंगे, ये तो पक्की बात है कि जनता का बूम आप देख लीजिए, इनका इंटेलिजेंस बता रहा होगा, सब बता रहा होगा, एक सिमरिया चली गई यहाँ से, जीती हुई सीट सिमरिया इनकी चली गई, इनको मिल सकती है। और इन्होंने अहंकार में और राजेंद्र शुक्ला जी की जो मोनोपोली है रीवा के, यहाँ के कुशाभाव जो वो बने, उसके चक्कर में सिमरिया चली गई। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि संजय द्विवेदी को टिकट आप दे दो, मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ की जनता केपी के नाम से कांपती है, प्रताड़ित है, कांपती है, तो उनकी पत्नी तक खो दे दो, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं। पर इनका अहंकार, इन लोगों का कहना था कि केपी इतना दमंग है कि वो गुंडई से वोट ले लेगा, अब एक तरफ केपी की गुंडई है, एक तरफ ये जनता खड़ी,
अब इसके बाद अब नड्डा जी आ जाए वोट, इनको ऑर्डर वाले वोट दिलवा दे, इसी के लिए आ रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों आ रहे होंगे, क्या नहीं जीतेंगे, सर पर रख ले कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी छूट गई, स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है, मत परेशान हो। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।